बेहतर है, मतलब बहुत ज़्यादा शदीद गर्मी नहीं है। और मेरे साथ जो है वो मेरे भतीजे हैं राजा इब्राहिम, ये ड्राइव करेंगे, तो इनको ही रास्ते का पता है, मुझे पता नहीं है, मैं पहली दफ़ा जा रहा हूँ। और पीछे जो हैं वो ये आपको नज़र आ रहे हैं राजा हशाम, वो उस तरफ राजा हशाम, इस तरफ राजा एहतशाम, और एक छोटे मियाँ भी साथ हैं, वो सामने आए ज़रा ऊपर करें मुँह, ये राजा आशिर आपको नज़र आ रहे हैं सामने। तो हम पांच बंदे हैं, तो खाने पीने का प्रोग्राम तो नहीं है, घर से खा पी लिया है, लेकिन जो है ना वो रवाना हम हो रहे हैं अभी। अपने साथ पानी वगैरह ले लिया है और कुछ जो है वो चीज़ें ले ली हैं, चिप्स वगैरह, और वही कल्टस 2010, तो रवाना होते हैं। तो मज़ीद आपको रास्ते में भी थोड़े बहुत क्लिप दिखाएंगे, जहाँ पर ऐसी जगह होंगी तो बता। एक छोटा डैम भी रास्ते में आता है, एक पहाड़ी है, कटी पहाड़ी जिसको कह सकते हैं, हाँ कराची वाली कटी पहाड़ी नहीं, यहाँ की कटी पहाड़ी है। तो वो इब्राहिम बता रहा है रास्ते में आती है इब्राहिम, हाँ वो आती है जब हम रास्ते में जाएंगे ना, तो रास्ता तो आनी था ना पहले, तो अब वो उसमें से रास्ता काटा गया है, तो वहाँ से रास्ता बनाया गया, तो दोनों तरफ से पहाड़ को काटा गया है। चले वो भी उन दोस्तों को दिखाएंगे जो पहली दफ़ा मेरी तरह लखतला जा रहे हैं हमारे साथ, तो चलते रवाना होते हैं, तो फिर रास्ते में बातें करते हैं।
जाएंगे, खाना खाने के बाद फारिग होने के बाद उन्हें धोकर रखना, ये धुआं उठ रहा है जगह जगह से। तो ये लोगों ने अपने पड़ाव डाले हुए हैं और यहाँ पर अपना खाना पकाकर खाते हैं। तो रात में यहाँ किसी को रहने की इजाज़त नहीं है, कोई भी शख्स रात को नहीं रह सकता है। ये सामने चिल्ला गाह है, ये आप देख रहे हैं, मैं जूम करके आपको दिखा रहा हूँ। ये साथ से रास्ता है ऊपर चढ़ने का, यहाँ से अकीदतमंद जाते हैं ऊपर चढ़ते हैं। तो मैंने कोशिश की कि यहाँ के गद्दी नशीन सैयद करामत हुसैन शाह से बात कर सकूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे और ऊपर चिल्ला गाह में थे, तो मैंने कहा चलें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करते हैं। तो ये देखें, इन्होंने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है, दरबार शरीफ का कोई चंदा वगैरह नहीं है, रात को कोई शख्स क़याम नहीं कर सकता है, बर्तन धोकर वापस रखें, और यहाँ पर वीडियो फिल्म सब बनाना सख्त मना है। तो मैंने खसूसी तौर पर यहाँ इजाज़त ली थी वीडियो बनाने की। मकामी लोगों से ली गई मालूमात के मुताबिक ये बाबा आमे शाह की चिल्ला गाह है और उनका मदफन उनके आबाई गांव लखतला में है, जो के इस चिल्ला गाह से पहले गांव आता है वहां पर है। चिल्ला गाह से हम वापस आ चुके हैं। ये रास्ते के अंदर एक बड़ी ही ज़बरदस्त जगह थी, एक वादी है, यहाँ पर बड़ा खूबसूरत मंजर है। वो पीछे मेरी कल्टस खड़ी हुई है और बड़े मुश्किल रास्ते से गुजर कर गई है, और फिर अब जो है वो बड़े मुश्किल रास्ते से गुजर कर वापस जाएगी और बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चली है। इब्राहिम ने चलाया है इसे और बड़े एहतियात और एहतराम और आराम से चलाया है।